अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आप सबकी मेज़बान समीरा खान आप सबका इस्तकबाल करती हूँ HS1 न्यूज़ चैनल पर। आइए नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये कि दो अक्यूज जो चेन स्नैचिंग कर रहे थे हैदराबाद सिटी में, उनको डीसीपी कमिश्नर सर का टास्क फोर्स और साउथ जोन पुलिस के पकड़ा था। उनका नाम है मोहम्मद फैजल शाह अली जबरी अलियास अब्दुल्ला सोहेल और मोहम्मद कलीम। ये दोनों से 120 ग्राम गोल्ड रिकवरी हुआ और एक पल्सर बाइक सीज किया। इन लोगों का मॉडल ऑपरेटिव है ये मोहम्मद फैजल शाह अली जबरी या जो अब्दुल्ला है वो प्रीवियस अफेंडर थे। वो दो बार पीडिया के जेल पे जाके आए। अभी रिसेंटली 8 तारीख मार्च अप्रैल में बाहर आए थे, तो उसका जो फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से ये मोहम्मद कलील बोल के एक और बंदे से मिलके एक प्लान बनाया कि एक सेकेंड हैंड बाइक लिया और जहाँ लाइक वुमेन दिखे उसका चेन स्नैच करने का प्लान बनाए थे। तो इस मामले में तीन जगह केस रजिस्टर हुआ। एक क्राइम नंबर 90/22 शालीपाटा PS में और क्राइम नंबर 197/22 नारायणपुरा PSP और क्राइम नंबर 333/22 सरोनगर PSP केस रजिस्टर हुआ 392 IPC। जो आज इंफॉर्मेशन के जो टास्क फोर्स का जो इंफॉर्मेशन से टास्क फोर्स और साउथ जोन पुलिस दोनों मिलके व्हीकल चेकिंग पे उनको दोनों को पकड़ा थे और 120 ग्राम का जो गोल्ड है पूरा रिकवर किया। इस ऑपरेशन जी चक्रवर्ती डिप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस टास्क फोर्स के नेतृत्व में हुआ था और इस ऑपरेशन पे राघवेंद्र इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस साउथ जोन टास्क फोर्स और SI V नरेंद्र, N श्रीशैलम, KS नरसिंहलु, KS सीनैया और बाकी टास्क फोर्स का स्टाफ, इसके साथ साथ हमारे शालीबंडा का इंस्पेक्टर श्रीनिवास, DI मुनावर शरीफ और पुलिस स्टेशन का क्राइम स्टाफ सारी मिलकर ऑपरेशन सक्सेसफुल किया। उसका टोटल वर्क कितना है? 6 लाख। व्हीकल चेकिंग काज कर रहे थे नागुल चिंता पे व्हीकल चेकिंग करते।